आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और टीटीआई न्यूज के माध्यम से अब हम आपको लिए चल रहे हैं नोएडा। 6 जनवरी को नोएडा एक्सटेंशन के रहने वाले गौरव चंदेल की बदमाशों ने नोएडा के थाना फेस 3 क्षेत्र के सेक्टर 123 स्थित परथल के पास गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद बदमाश गौरव चंदेल की गाड़ी और उनका सामान लेकर फरार हो गए थे। एक हफ्ता बीत जाने के बावजूद इस मामले में पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। मामला देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि इस घटना का शासन ने भी संज्ञान लिया, जिसके बाद अधिकारियों का पीड़ित परिवार के यहां जाकर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं राजनीतिक और गैर राजनीतिक लोगों ने भी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए। शासन ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी और आईजी के माध्यम से पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए की सहायता राशि मुहैया कराई है। डीएम और आईजी गौरव चंदेल की पत्नी से मिले और उन्हें आश्वस्त किया कि इस घटना के जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, उनकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए, जैसा कि आप संज्ञानित हैं, ऑनरेबल सीएम और गवर्नमेंट इस इशू से सीज्ड है, इसको सीरियसली देख रही है और ऑनरेबल सीएम के निर्देश पे आज मैं और आईजी मेरठ दोनों लोग गए थे और दो बातों पे परिवार से बात हुई। जहां तक केस की इन्वेस्टिगेशन का प्रश्न है, उनको एश्योर किया गया कि प्रोफेशनली केस में एग्जाम इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और शीघ्र ही इसमें कुछ होगा, जैसे भी होगा परिवार को संज्ञानित किया जाएगा। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में परिवार को 20 लाख रुपए का चेक मैंने आज दिया है और परिवार ने काफ़ी परिवार के प्रति जो शासन की संवेदना थी वो भी व्यक्त किया है और परिवार ने इसको एक्सेप्ट किया है। सर, आरोपी की गिरफ्तारी के अग्नि भी उसको कुछ देखिए, इसमें परिवार को एश्योर किया गया है कि पुलिस पूरी प्रोफेशनली इसको देख रही है और जैसे भी निर्णय होगा परिवार को तुरंत संज्ञानित किया जाएगा। परिवार शोर रहे और पुलिस अपना बेस्ट कर रही है।